दमदार इंस्टीट्यूट और कमजोर प्लेसमेंट, जी हाँ इसी मुद्दे पर करेंगे आज ईटी नाउ स्वदेश के इस बुलेटिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी एजुकेशन और शानदार टैलेंट प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। यहाँ से निकलने वाले इंजीनियर्स को देश विदेश की कंपनियां करोड़ों के पैकेज पर हायर करती है, लेकिन इस बार कुछ ही इंजीनियर्स को ऐसा ऑफर मिला और कई IIT इंस्टीट्यूट के छात्रों का पैकेज 10 लाख तक की सिमट कर रह गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कई IITians अभी भी नौकरी ढूंढ रहे हैं और जिन्हें जॉब मिला है वो भी बेहतर ऑफर की तलाश में है। इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ गए हैं टीम लीज एडटेक के फाउंडर एंड CEO शांतनु रूज। शांतनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय बात कर रही हूँ। थैंक यू तृप्ति, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी जी, तो शांतनु, मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि ये जो भी IIT का हम सुन रहे हैं, हमने पहले करोड़ों के पैकेज सुने हैं कि IIT से तो हर साल इतना अच्छा प्लेसमेंट होता है, तभी तो इतने सारे स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करके IIT में जाते हैं, तो ये वाला ट्रेंड कैसे है? मतलब आप समझाइए कि इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है। तृप्ति, अगर इस बात को ध्यान से देखें तो अगर IIT के प्लेसमेंट्स के पीछे तीन अलग अलग तरह की फोर्स काम करती थी। एक थी हमारी IT सर्विसेज इंडस्ट्री, जो कि काफी बड़ी मात्रा में लोगों को लेती थी, क्वाइट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सैलरी। सेकेंड थी कंसल्टिंग कंपनीज, जो कि ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनीज, वो अच्छी क्वालिटी के कैंडिडेट्स को अच्छे पैकेजेस पे हायर किया करती। और थर्ड थी हमारी ये स्टार्टअप्स, जिसके पास फंडिंग की भरमार थी, उन्हें सिर्फ IIT के ब्रांडेड लड़के चाहिए और कुछ भी पैकेजेस पे लेने को तैयार थे। इस समय देर आर कुछ अलग तरह की एक हवा चल रही है, जिसके कारण ग्लोबली अगर आप देखें, देर इज अ ग्लोबल स्लो डाउन, देर इज अनसर्टेनिटी, जिसके कारण बहुत सारी कंपनीज अपनी हायरिंग की जो फ्रेशर्स हायरिंग के जो प्लान्स हैं उसको थोड़ा डिले कर दिया है। वो लोग कम हायरिंग कर रहे हैं। कोविड के समय काफी लोगों ने बहुत ज्यादा फ्रेशर्स हायरिंग की थी, इस समय उनकी रिक्वायरमेंट्स कम हैं, इसलिए वो कम हायर करना चाहते हैं। दूसरी बात है IT इंडस्ट्री की अपनी एक स्लोडाउन है। सारे IT सर्विसेज मेजर्स कह रहे हैं कि वो फ्रेशर्स हायरिंग नहीं करना चाहते इस समय। और तीसरी बात अगर आप देखें तो हमारे सारे स्टार्टअप्स के पास फंडिंग की प्रॉब्लम है, और फंडिंग विंटर जिसे हम कह रहे हैं ओवरऑल, ये तीनों चीजें, तीनों फोर्सेस आज काउंटर तरीके से काम कर रही हैं। हाउएवर, सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं है जितनी ये मीडिया हमें बता रही हैं। अगर आप देखें कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ये सारी इंडस्ट्रीज अब भी फ्रेशर्स हायरिंग करने को तैयार हैं, लेकिन इनकी जो हायरिंग की पैकेजेस हैं वो ज्यादातर रियलिस्टिक होगी, ना कि वो फैंसी वाली होंगी। मुझे लगता है इस समय ये जरूरी है कि स्टूडेंट्स अपनी रियलिटी को समझें और इन पैकेजेस को भी लें और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जिसमें उन्होंने पढ़ाई की है उनको ज्वाइन करें और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को मेंटेन करें। शांतनु, आपने जैसे कि बताया कि ग्लोबल स्लोडाउन इसकी एक वजह माना जा रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या सिर्फ ग्लोबल स्लोडाउन ही है या कोई और भी कारण है? जैसे कि AI के आने के बाद भी हम मान सकते हैं कि कुछ कंपनीज ने लेऑफ्स किए हैं और IT का तो काम वर्क फ्रॉम होम से भी हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि AI भी इसके पीछे एक वजह हो सकती है? फ्यूचर में जितनी AI के वजह से फ्रेशर्स हायरिंग के पैटर्न डेफिनेटली बदलेंगे, बट हमें नहीं लगता कि इस समय ये जो बैच, करंट बैचेस की बात कर रहे हैं, इस बैच में AI का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। इस समय अगर आप देखें तो इस समय अगर आप किसी भी IIT के प्लेसमेंट को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा हायरिंग करती है IT सर्विसेज इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री ने कहा है, अगर आप टॉप 10 IT कंपनीज की बात करें इंडिया में, इन्होंने सबने कहा कि हम अब फ्रेशर्स इस साल हायरिंग नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपना फ्रेशर्स हायरिंग बंद कर दिया, करीब 2.5 लाख हायरिंग करते थे, वो अब 40-50 हजार हायरिंग पे आ गए हैं, अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर वो हायरिंग कम हो जाती है, उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर डेफिनेटली पड़ने वाला है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस कारण से हो रहा है कि ये IT सर्विसेज कंपनी, जो ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनी है, जिन्होंने कोविड के समय बहुत ज्यादा हायरिंग की है, उन्होंने अभी हायरिंग करना बंद कर रखा है। एक्चुअल रीजन इस बैच में डेफिनेटली ये है, फ्यूचर में जाते हुए AI का इम्पैक्ट डेफिनेटली आने। शांतनु, IIT बॉम्बे ने तो बाकायदा एक पोस्ट करके बताया है कि वहाँ के 6.1% कुछ स्टूडेंट्स अभी भी नौकरी की तलाश में हैं,
तो जहां आईआईटी बॉम्बे से सबसे ज़्यादा बड़े पैकेज के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता था, वह उस तरह का इंस्टीट्यूट बता रहा है कि वहां पे 6% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें अगर दो तरह से बच्चों को देखें वहां पर, एक तो है वो स्टूडेंट जो बीटेक का कोर्स कर रहे हैं, अंडरग्रेड स्टूडेंट्स, और दूसरा है जो उनमें बाकी सब कोर्सेज कर रही हैं। अगर ब्लेंडेड वाइज देखें तो 6.1% लुक्स लाइक पॉसिबल। नॉर्मली जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं उनको प्लेसमेंट के प्रॉब्लम नहीं होता है। ज्यादातर आईआईटीज ने क्या कर रखा है कि उन्होंने एक लेवल बना रखी है जिसके नीचे आप उस स्टूडेंट्स को पैकेजेस ऑफर ही नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि थोड़े कम पैकेजेस में स्टूडेंट्स को लेना चाहती हैं, लेकिन आईआईटीज आज के जमाने में, ज्यादातर पुरानी आईआईटीज अभी भी उन कंपनीज को अलाउ नहीं करते, जिसके कारण सिर्फ टॉप क्लास आईआईटी कंपनीज ही वहां जाकर ऑफर कर सकती हैं। आई थिंक प्रॉब्लम वहां पर थोड़ा ज्यादा हो रही है। अगर आईआईटीज अपने अगर वो फिल्टर्स को निकाल दें और कहें कि कोई भी कंपनी जो कि स्टूडेंट्स को लेना चाहती है, और स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दें, कंपनीज के ऊपर छोड़ दें उसको नेगोशिएट करने के लिए, आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को वहां जॉब तो मिल जाएगा। फ्रेशर्स हायरिंग के सेंटिमेंट्स खराब नहीं है, लेकिन अगर आपने बहुत तरह के लेयर क्रिएट कर दिए, फिल्टर्स क्रिएट कर दिए, जिसके कारण आई थिंक ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल स्केयरसिटी भी क्रिएट हो रहा है। शांतनु, जैसा कि आपने बताया कि स्टूडेंट्स को खुद को अपग्रेड करना होगा, सो आप बताइए कि अभी किस तरह का कंपटीशन है और कंपनियां क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आती है प्लेसमेंट के टाइम स्टूडेंट से? अगर कोई ऐसी कंपनी आईटी कंपनी है जो कि ट्रेडिशनली आईआईटीज एंड आईआईटीएंस हायर नहीं करती है, तो जब वो आईआईटीएंस हायर करती है वो एक्सपेक्ट करती है कि ये बच्चे टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर होंगे, एक नंबर वन। नंबर टू, इनकी अंडरस्टैंडिंग एआई एमएल के जरिए या फिर डेटा साइंस के एरिया में, इस तरह का साइबर सिक्योरिटी के एरिया में, क्लाउड के एरिया में इनकी नॉलेज काफी ज्यादा होगी। प्लस वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, चाहे वो लाइव प्रोजेक्ट्स के जरिए हो या इंटर्नशिप जो उन्होंने की है अपने ग्रेजुएशन के दौरान, इस समय इनके जरिए इनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होगा और इनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ा ज्यादा होगी। मुझे लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स लाइव प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं एम्प्लॉयर्स को और डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल स्किल सेट्स को, आई थिंक एम्प्लॉयर्स विल बी इंप्रेस्ड विद देम एंड विल देयर बी नो प्रॉब्लम्स देयर। जी शांतनु, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स तो अपने आप को अपग्रेड करें, तो क्या आईआईटीज को भी अपने कोर्सेज को अपग्रेड करना चाहिए? जैसे कि अभी एआई आया और नई टेक्नोलॉजीज तो हर रोज़ आती रहती है, तो आपका इस पर क्या कहना है कि क्या इंस्टीट्यूट को भी अपने कोर्स में कुछ करना चाहिए? तृप्ति, एक्चुअली ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स इस काम बारे में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है सारे आईआईटीज अपने कोर्सेज में वो मॉडिफिकेशंस ला रही हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को कंटेम्पररी स्किल सेट्स मिल सके। एक तो है थियोरेटिकल पढ़ाना जो आईआईटीज डेफिनेटली कर पा रही हैं, जो दूसरी पोर्शन जो मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस, चाहे वो लाइव प्रोजेक्ट्स के जरिए हो, चाहे वो इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या ऑन द जॉब लर्निंग के जरिए हो, जिसमें स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत चीजें अपने प्रोफेसर से सीखता है और थोड़ा बहुत चीजें वो अपने एम्प्लॉयर्स के पास से भी सीख सकता है प्रैक्टिकल लाइफ प्रोजेक्ट्स के जरिए। अगर वो दोनों वर्ल्ड को मिला दिया जाए, आई थिंक ये स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी और एम्प्लॉयर्स उनको डेफिनेटली लेना चाहेंगे एट द राइट प्राइसेस। शांतनु, अभी हम जैसा कि देख रहे हैं आईआईटी के अलावा जो एमएनसीज है वो दूसरे कॉलेज को भी अप्रोच करती है, वो एनआईटीज की तरफ भी जाती है, इसके अलावा और भी इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ से वो स्टूडेंट्स को लेती है, तो क्या इसके पीछे एक ये कारण भी हो सकता है, ये एक फैक्टर हो सकता है कि आईआईटी में प्लेसमेंट कम हो रहे हो क्योंकि कंपनियाँ दूसरे कॉलेज से भी स्टूडेंट्स को हायर कर रही है? दीप्ति, आपका ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। आज के दिन में अगर आप देखें कि आईआईटीज जानी जाती हैं अपनी एकेडमिक सुपीरियरिटी के कारण, लेकिन आज के जमाने में सिर्फ एकेडमिक सुपीरियरिटी ही एक ही वो तरीका नहीं है जिससे एम्प्लॉयर्स सिलेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयर्स देखते हैं कि स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल स्किल सेट्स क्या है, स्टूडेंट्स का ऑलराउंड पर्सनालिटी कैसा बिल्ड हुआ है, स्टूडेंट का सॉफ्ट स्किल्स कैसा है, उसके कॉग्निटिव स्किल सेट्स कैसे हैं। आई थिंक एम्प्लॉयर्स ये सारी चीजें देखते हैं। कुछ जो इंस्टीट्यूशन जो कि आईआईटीज नहीं है उन्होंने भी इस पर काफी काम कर रखा है। आई थिंक दुनिया थोड़ा बदल रहा है, इंस्टीट्यूट्स को भी अपनी बदलनी चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि स्टूडेंट्स के अंदर वो टेक्निकल स्किल सेट्स के अलावा ये सॉफ्ट स्किल्स, ये कॉग्निटिव स्किल्स, ये वर्क एक्सपीरियंस, लाइफ प्रोजेक्ट्स, इन सब चीजों का एक इस तरह का पर्सनैलिटी बनाया जाए कि स्टूडेंट्स एक राउंडेड पर्सनैलिटी तैयार हो जो कि एम्प्लॉयर्स को ज्यादा भाते हैं आज के जमाने में।
जी शांतनु, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, क्योंकि आप भी एक IITian हैं, तो आपने जब से अपना ग्रेजुएशन जो भी किया है वहाँ से, उसके बाद आपने किस तरह का ट्रेंड में बदलाव देखा, किस तरह का, उसके बीच में कोविड भी आया, तो आप किस तरह का ट्रेंड देखते हैं और किस तरह का बदलाव आपको देखा अब तक? सो आई थिंक दुनिया लास्ट दो डेकेड्स में इतनी काफ़ी बदल चुकी है। जब हमने IIT पास की थी उस समय 6 IITs हुआ करते थे और हर एक IITian को मल्टीपल जॉब्स लगती थी, बट आज के जमाने में आप देखें नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, नंबर ऑफ IITs, वो सब चीज़ें बदल चुकी हैं। एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशन भी बदल चुकी है। आज एम्प्लॉयर्स एक फ्रेशर से भी वर्क एक्सपीरियंस की डिमांड करता है। सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। अगर लाइफ प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, दुनिया टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, AI और ML काफी डिसरप्शंस क्रिएट कर रही हैं, तो मुझे लगता है आज के जमाने में स्टूडेंट्स को अपनी जो एम्प्लॉयबिलिटी की जो तैयारी है उसमें थोड़ी बदलाव लाने की जरूरत है। उन्हें ध्यान देना है कि उसके अकेडमिक स्कोर्स के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल स्किल सेट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, सॉफ्ट स्किल्स और जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं इनके ऊपर भी उनकी पकड़ जो है वो काफी मजबूत होने की जरूरत है। अगर ये सब चीजें स्टूडेंट ध्यान देंगे, मुझे लगता है एम्प्लॉयबिलिटी की तकलीफ नहीं आएगी। जी शांतनु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए, और आपने काफी अच्छी चर्चा की हमारे साथ। इस चर्चा को फिर कभी आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल के लिए धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश को अपना समय देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब बात कर लेते हैं बाजार की। तो अब हफ्ते के पहले दिन बाजार में हुए एक्शन की बात करते हैं, हाई पॉइंट्स बताएंगे मेरे सहयोगी अंश भिलवाड़। तो मार्केट में आज अच्छी खरीदारी नजर आई, भले ही निफ्टी की शुरुआत में थोड़ा सा नरमी भले नजर आया था, लेकिन स्मार्टली रिकवर करके 22,200 ही नहीं 22,300 को भी पार करते हुए बंद होता हुआ नजर आया। इसका चार्ट भी देखे तो इंडेक्स ने 50 और 20 दोनों DMA को करके ऊपर बंद होता हुआ नजर आया है। इसके टॉप गेनर्स देखें तो BPCL और टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक नजर आते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने 20 DMA पे अच्छा सपोर्ट लिया। इसके टॉप गेनर हमें बंधन बैंक और PNB नजर आते हैं, लेकिन HDFC बैंक का चार्ट देखें तो उसमें थोड़ी सी बिकवाली नजर आई थी, जिस वजह से निफ्टी बैंक भी दिन के उछली स्तर पर नहीं बट थोड़ा सा नीचे आके बंद होते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी हरे निशान में बंद हुए थे। दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप में 5 सेशन की लगातार बिकवाली के बाद जाकर हमें खरीदारी नजर आई है, और इसमें टॉप गेनर्स हमें वोल्टास और यूनियन बैंक नजर आते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए तो यहाँ पर भी 2 सेशन की लगातार बिकवाली के बाद जाकर अच्छी खरीदारी दिखी है, और इसके टॉप गेनर्स में हमें तेजस नेटवर्क और ITI जैसे स्टॉक नजर आते हैं। सेक्टोरल इंडिसीज की बात करें तो सारे ही सेक्टोरल इंडिसीज हमें हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, जिसमें से निफ्टी PSU बैंक टॉप सेक्टोरल गेनर रहा है, जिसकी 5 सेशन की लगातार बिकवाली के बाद जाकर अच्छी खरीदारी आई है। 5 सेशन की बिकवाली वाले इंडेक्स में निफ्टी रियल्टी और निफ्टी IT भी शामिल है, जिसमें 5 सेशन से लगातार बिकवाली हो रही थी और आज जाके हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी फार्मा की बात की जाए तो इसमें 2 सेशन से लगातार बिकवाली हो रही थी और आज हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी ऑटो और निफ्टी FMCG में ये दूसरा सेशन था जब लगातार खरीदारी नजर आई, तो ओवरऑल मार्केट देखे तो काफी बुलिश नजर आया है। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट पांच का पंच की तरफ, और पांच का पंच की तरफ बताएंगे मेरे सहयोगी शरद। शरद बताइए, आज कौन से वो 5 शेयर है जहां एक्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, आपका 5 का पंच में स्वागत है, और आज जो है दिन के ट्रेड में 5 अहम स्टॉक्स जहां पे एक्शन देखने मिला, ये अर्निंग स्पेसिफिक भी हैं और कुछ खबर स्पेसिफिक भी हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल। यहाँ पे देखें तो स्टॉक में जो एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली दिन के ट्रेड में, स्पेशली कॉनकॉल के बाद अब उसके जो नंबर्स आए हैं बहुत शानदार नतीजे देखने मिले, और कंपनी जो है लगभग 12 क्वार्टर के बाद जो है प्रॉफिटेबल हुई है। उनके कामकाजी मुनाफे के बारे में बात तो कंपनी जो है आप कह सकते हैं घाटे से मुनाफे में आई है। ऑर्डर इनफ्लो में भी जो है बुलिश नज़रिया देखने मिला, और कॉनकॉल में कंपनी ने कहा कि जो रिलायंस और नाइजीरिया के ऑर्डर्स आने वाले हैं अगले 2 क्वार्टर में, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस देखने मिलेगा। 4th तिमाही में जो ऑर्डर्स नहीं फुलफिल हुए थे वो 1st क्वार्टर में जो स्पिल ओवर होंगे, उसके कारण रेवेन्यू और ज़्यादा आ सकते हैं। तो कमेंट्री अच्छा, टर्नओवर भी हुआ और डेट रिडक्शन भी हुआ। वोल्टास हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा, UBS की अपग्रेड आई है और यहाँ पे बाई रखा है, न्यूट्रल था पहले और टारगेट प्राइस डबल से ज़्यादा कर दिया है लगभग 1800 रुपये का, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि तो मार्केट शेयर गेन है उनको देखने मिलेगा, स्पेशली जो AC सेगमेंट है वहाँ पे लेके
और जो मार्केट शेयर का एक्सपेक्टेशन था इस साल 2026 में वो लगभग 23% का और करेंटली 20% के नीचे है ये आंकड़ा। परसिस्टेंट सिस्टम्स लार्जली इनलाइन सेट ऑफ Q1 नंबर्स, लेकिन दिन के ट्रेड में जो स्टॉक में भारी गिरावट देखने मिला। इसका कारण ये है कि Q1 का जो गाइडेंस है वो थोड़ा वीक देखने मिला। FY25 का मार्जिन का एक्सपेक्टेशन है कि फ्लैट रहेगा, बाजार का एक्सपेक्टेशन था कि ये 70-80 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज देखने मिलेगा। कंपनी स्पेसिफिक भी दो इम्पैक्ट आए हैं। सबसे पहला कि एक्विजिशन स्केल अप ज़्यादा हो नहीं रहे हैं और जो ऑफशोरिंग है जो एम्प्लॉय कॉस्ट की वो भी बढ़ोतरी देखने मिली, तो उसके कारण जो है नंबर्स इंपैक्ट किए गए हैं। GSPL हमारा चौथा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे जो है हाई प्रेशर ग्रिड टैरिफ की रिवीजन हुई है, 47% की जो है गिरावट देखने मिली है और उसमें स्टॉक इसके कारण जो एक समय जो है लगभग 20% दिन के ट्रेड में गिर गया था। हालांकि थोड़ी रिकवरी ज़रूर आई है, जहां पे एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी अपील फाइल कर सकती है उनके रेगुलेटरी अथॉरिटी PNGRB के साथ। आखिरी स्टॉक हमारा सेगमेंट खबर सेगमेंट से था वर्लपूल का। यहाँ पर जो है खबर आ रही है कि कंपनी जो है अपनी प्रीमियम सेगमेंट की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लॉन्च कर सकती है और चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी के मार्केट शेयर गेंस देखने मिल सकते हैं जब से नई मैनेजमेंट में बदलाव आया है। और दो महीना पहले प्रमोटर जो थे इनके, उन्होंने लगभग 23% स्टेक की बिकवाली की थी, तो वो सेलिंग प्रेशर भी अब खत्म हो गया है। और मार्च के लो से देखें तो स्टॉक जो है 20% से ज़्यादा का उछाल देखने मिला है और DIs की इंटरेस्ट, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी इंटरेस्ट में भी जो है अच्छी बाइंग देखने मिली है। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है जहां पे आज एक्शन दिन के ट्रेड में देखने मिला है। और अब भारतीय रेलवे से जुड़ी खबर है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सीट रिजर्व होने के बावजूद पैसेंजर को सीट पर बैठने के लिए जूझना पड़ रहा है। तमाम शिकायतों और समर सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे क्या कदम उठाने जा रही है, बताएंगे हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। भारतीय रेलवे की स्थिति इस वक्त काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। जिसके पास कंफर्म्ड रिजर्व टिकट है उसको भी यात्रा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी रिजर्व्ड सीट को पाने, वहां तक पहुंचने में भी बहुत मुश्किलें आ रही हैं। और ये बात हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो कह रहे हैं। लोगों की दिक्कतें, नाराज़गी सामने आती हैं तो रेल प्रशासन भी में नजर आ रहा है। रेलवे ने समर रश यानी कि गर्मी के सीजन में जो मुसाफिरों की बड़ी संख्या यात्रा के लिए इस वक्त जो सामने आ रही है उसको देखते हुए एक एक्शन प्लान तैयार किया है और उसको अमली जामा पहना रहा है। जो रेलवे का प्लान है उसमें यह है कि जो एडिशनल ट्रेन चला रहा है उसकी 9000 से ज्यादा फेरे ट्रिप्स इन ट्रेनों के लगवाएगा। साथ ही साथ जो स्पेशलाइज्ड स्किल्ड RPF प्रोफेशनल हैं उनको CCTV मॉनिटरिंग स्टेशन पर जो होगी वहां पर उनकी तैनाती की जाएगी। जो फुटओवर ब्रिज है बड़े बड़े स्टेशन पे, वहाँ पर GRP और अन्य पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी बुरी स्थिति से बचा जा सके। यही नहीं, हर स्टेशन पे जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनकी तैनाती सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोग जो है वो सही तरीके से ट्रेन में चढ़ पाए, विशेषकर जिनके पास टिकट है वही यात्रा कर पाए। इस तरीके के एक्शन प्लान के साथ में रेलवे अब उसको क्रियान्वित कर रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप सोशल मीडिया की तस्वीरें देखेंगे तो वहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, पैसेंजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले जो सप्लाई है यानी कि जितनी ट्रेनें और जितनी अवेलेबल सीट होनी चाहिए वो बहुत कम है। यही वजह है कि जो दिक्कतें हैं, जो नाराज़गी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इंश्योरेंस प्रीमियम में लगातार बढ़ोतरी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के नए नियमों में क्लेम के आधार पर पॉलिसी धारक के लिए प्रीमियम बढ़ोतरी पर रोक लगाई गई है। पूरी खबर बताएंगे मेरे सहयोगी अनुराग शाह। व्यक्तिगत क्लेम के आधार पर जो इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी होती है उस पर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने रोक लगा दी है और रेगुलेटर ने कहा है कि जो पूरा पोर्टफोलियो है उसका जो एक्सपीरियंस रहे उसके ऊपर जिस तरह के क्लेम आते हैं उसको आधार मानकर ही इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है IRDAI के द्वारा। इसके अलावा अभी तक जो नियम था कि 65 साल तक की उम्र है वहाँ पर कोई भी कंपनी इंश्योरेंस देने से नहीं कर सकती, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लागू नहीं होते थे और 65 साल से ज़्यादा ये कंपनी को फ्रीडम दिया गया था कि अगर वो
पॉलिसी देना चाहे तो नियमों और शर्तों के हिसाब से पॉलिसी दे सकती है, और कंपनी चाहे तो इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने से मना भी कर सकती है। लेकिन अब रेगुलेटर के द्वारा ये 65 साल का जो नियम है वो हटा दिया गया है और कंपनियों को पूरी आज़ादी दे दी गई है कि वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक, अपनी डिज़ाइन के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वो एज को निर्धारित कर सकती है। यानी कोई कंपनी चाहे तो 55 साल से ज़्यादा वालों को, लोगों को भी इंश्योरेंस पॉलिसी देने से मना कर सकती है, और कोई कंपनी चाहे तो 75 साल तक के लोगों को भी आसानी से पॉलिसी दे सकती है। तो ये कंपनी पर निर्भर रहेगा, इसकी आज़ादी रेगुलेटर के द्वारा दी गई। इसके अलावा रेगुलेटर ने ये भी कहा है कि इंश्योरेंस कंपनियाँ स्पेशल प्रोडक्ट जो केवल महिलाओं के लिए हो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट जो केवल बच्चों के लिए हो वो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट जो केवल सीनियर सिटीजन्स को हो लिए हो उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, ये छूट दी गई। इसके अलावा पोर्टेबिलिटी को भी मंजूरी दी गई है, यानी अगर आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको आप पोर्ट कराना चाहते हैं किसी और कंपनी में उसी समय श्योर्ड के साथ उसी बेनिफिट के साथ, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको मना नहीं कर सकती। इसकी भी जो है इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के द्वारा जो नए प्रोडक्ट गाइडलाइंस है उसमें मंजूरी दी गई है। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से वोल्टास के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली। UBS ने वोल्टास पर न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य को 885 से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दिया है। पूरी डिटेल्स देंगे मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। लेकर बहुत ही दमदार रिपोर्ट आई है UBS की। UBS ने शेयर को डबल अपग्रेड किया है और जो टारगेट है पहले जो टारगेट था उससे बढ़ाकर ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। हालांकि जो पोटेंशियल अपसाइड है मौजूदा स्तर से वो है तकरीबन 30% की। पहले न्यूट्रल रेटिंग थी उसको बढ़ाकर अब खरीदारी की रेटिंग दे दी है और लक्ष्य को 885 रुपये से बढ़ाकर कर दिया 1800 रुपये प्रति शेयर का। और ये जो टारगेट है UBS का, जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं सबसे ज़्यादा टारगेट UBS का फिलहाल इस शेयर पर हो गया है। दरअसल UBS को लगता है कि रूम AC का जो सेगमेंट है उसमें उसके मार्केट शेयर में वोल्टास सरप्राइज कर सकती है और FY26 में जो मार्केट शेयर बढ़कर 23% संभव है, ऐसा UBS को लगता है। यही नहीं, सप्लाई चेन बेहतर हो रही है कंपनी की, कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी बेहतर किया है और ये एक बड़ा पॉजिटिव है वोल्टास के लिए। यही नहीं, वोल्टबैक JV को लेकर भी UBS ने अपना कमेंट दिया है। दरअसल तुर्की का कंपनी आर्सेली के साथ 2017 में कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर किया था और UBS को लगता है कि FY26 तक न सिर्फ ब्रेक इवन होगा बल्कि मार्केट शेयर में भी बढ़त होगी, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर यहां से भी है। दरअसल JV कंपनी में 10,000 करोड़ रुपए की इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ की भी उम्मीद जताई है UBS ने, और कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट के लिए ये $100 मिलियन की JV की थी कंपनी ने, और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और अन्य अप्लायंसेस कंपनी इस JV के जरिए बनाती है और बेचती है। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त रन अप हमने वोल्टास में देखा है। पिछले अगर महीने भर की बात करें तो तकरीबन 30% के आसपास की। अगर इस साल की बात करें मतलब कि जनवरी से लेकर अप्रैल में अब तक जो समय बीता है 42% की जबरदस्त तेजी रही है, और पिछले 6 महीने में तकरीबन 70% के आसपास का उछाल हमने वोल्टास के शेयर में देखा है। साल भर की बात करें तो 63% के आसपास का उछाल है। तो बेहतरीन अपग्रेड UBS की तरफ से वोल्टास के शेयर को लेकर, और उसके बाद शेयर में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तेजी पर कारोबार हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं Q4 के नतीजे की। तो रिलायंस जियो ने अपने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने अपना मुनाफा 5,337 करोड़ दर्ज किया है जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 5,330, तो स्लाइटली है, सारे नतीजे के मुताबिक ही आए हैं। आय है कंपनी की 25,959 रुपए जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 26,000, और एबिटा में 13,612 करोड़ का एबिटा दर्ज हुआ है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 13,608। तो ओवरऑल नतीजे कह सकते हैं कि हमारे अनुमान के मुताबिक रहे। अगर हम Q-on-Q बेसिस पर बात करें तो कंपनी की आय, मुनाफा और एबिटा में 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है जबकि एबिटा मार्जिन फ्लैट रहा है जैसा कि हमने एस्टिमेट किया था। तो रिलायंस जियो के ये Q4 के नतीजे कंपनी ने जारी कर दिए हैं और नतीजे इनलाइन ही रहे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।